Exactly. I mean, see, basically these are the ideas of their creative agencies who are working behind these complete campaigns. So they have done certain surveys and then they, you know, present a plan and then they react onto it. You never know, this is what has started on SG Road, on Chai Pe Charcha. This can also go to your room also, you know, somebody can come and, you know, cook or maybe prepare a tea at your place also. Society, community, and, you know, involving more and more people. You know, this is what is a basic idea, reaching to the masses. आज पहला मने ख्याल नहीं कि मारा एरिया में कोई कॉर्पोरेटर के कोई धारा सभ्य है आवी ने विजिट करी होय कि जने हूँ ओळखतो आऊँ. And in some cases, so we even don't know कि who's elected in this area. Could it be AMC or, you know, corporation or anything? Most of us don't even know. Yes. ना कारण के तुमने interest नहीं because you don't know मने खास. Because I am interested, let us first get that statistics clear, no? Because you are not interested, no, you don't know. There is somebody who is proactive. You don't expect every time तुम्हारे घरे लोग आवे, तुम्हारे जवानों से. अगर इसको गलत तरीके से यूथ ले जाएगा तो ये चाय पे चर्चा की जगह चाय पे खर्चा हो जाएगा. पर चाय पे तो चर्चा हो ही नहीं थी, चाय पे तो चर्चा हो ही नहीं है. It is just a marketing gimmick and because again repeating. चाय पे चर्चा की जगह चाय पे वाली बात है. समीर जी शू क्या हो मागो? Yes again. चाय पे एक नवो पॉइंट जो आयो छे गुजरात पार्लियामेंट जे हवे नवी टर्म जे आई छे आज के दर केटली ऊपर के चाहे के हब्स ऊपर पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस થઈ ગયો છે જ્યાં નોર્મલ એક માણસ હતો કોમન મેન હતો જેનો કોઈ ઓપિનિયન નહોતું પોલિટિકલ ઓપિનિયન નહોતું એ આજે એક ઓપિનિયન રાખે છે કા તો પછી he is affiliated to some political party or he has an opinion on a political party. Politically neutral કોઈ પણ માણસ નથી આજની તારીખમાં. The people have a incline or a political state. समीर, we have uplifted this the common man. उसको एक respect दिया है, उसको एक parliamentary respect दिया है, उसको एक democratic respect दिया है, जो which we sir उतने respect छुटाने के बाद भी देना सर. और फिर वो लाल बत्तियाँ की गाड़ियाँ जाती और हम सब आप और मैं खड़े रहते जब तक 50 का काफला नहीं जाता तब तक आप और मैं खड़े रहते. वो respect आप बाद में देना. अपने हवाई जहाज में जाने के लिए हम लोग लाइन में खड़े रहते और उनको रेड कार्पेट मिलेगी वो भी रिस्पेक्ट देना सर. तब वो रियल रिस्पेक्ट होगी. कारोबार पर इसको कोई रिस्पेक्ट नहीं कहते. ये तो आप लोग आपकी मार्केटिंग कंसल्टेंसी चला रहे हो, इसको कंसल्टेंसी चलाना कहते हैं. तो एक मिनट देखिए, लाल बत्ती तो पिछली बार हमने कल्चर को इवेड करेंगे, वही लोग लाल बत्ती लगा के घूम रहे हैं. इस चीज की है कि एक जो आम आदमी है उसको आपने किस तरीके से अभी तक पूछा. आज उसको अगर हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो कुछ कॉर्पोरेट लॉबीज क्यों उसके अगेंस्ट में जा रही है? सवाल इस चीज का है. लेकिन शोभित जी आप ही की बात कंटिन्यू कराओ. रुझान जी जे शोभित जी बात करी कि आ कई नवू थवा जई रह्यु छे, लोको सुधी पहोंचवाना प्रयासों नेताओं करी रह्या छे, क्यांक एने एप्रिशिएट करवा जोईए. पहेला तो ए पण नहोतो साहेब आ प्रयास. जेवू इलेक्शन आउट तो आ प्रयासों तो चालू થઈ જતા હતા. This is one other medium of doing it and this is I'll tell you honestly this is what they have learned from Anand Kejriwal. કારણ કે જે આનંદ કેજરીવાલ નો ભલે યુથ હતું બધું હતું પણ એ વન ટુ વન જે કોન્ટેક્ટ હતો બધા સભાઓમાં કરતા હતા પણ હવે લોકો જો કે લોકો સભાઓ તો આટલા શોર્ટ ટાઈમમાં કરી નહીં શકશે એટલે ચાય પે ચોપાલ ના યા ફૂટપાથ પાર્લામેન્ટ ચાલુ કર્યું. અધરવાઇઝ આઈ ડોન્ટ थिंक સો ધીસ ન્યુ. હા કદાચ પેલું અંગ્રેજી બોટલમાં દેશી દારૂ જેવું હોય તો ઇટ ઇઝ ફાઇન. सबसे पहले देखिए यही पे जो गल्ले की जो टॉक्स होती है, मेरी रुझान से पिछली बार भी बात हुई कि गल्ले पे जो टॉक्स होती है वो जो पार्लियामेंट होता है बड़ा डिसइंजीनियस होता है, बड़ा खतरनाक होता है कि वहां पे कोई सब्सटेंस के बिना लोग फ्री में फायरिंग करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 2003 में वाइब्रेंट गुजरात के समय हम लोग ने जो टेक्नोलॉजी यूज करी थी तब सबसे पहले सोशल वेबसाइट का यूज किया गया था. ये चीज अरविंद केजरीवाल तो मेरे ख्याल से उस समय IRS में भी नहीं आए होंगे. मैं उन समय की बात कर रहा हूं. तो ये अरविंद केजरीवाल अचानक कहां से? अरे लेकिन मैं अभी सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो वन टू वन कांटेक्ट की बात कर रहा हूं. मैं वन टू वन कांटेक्ट की बात जनरल ये बात हो रही है शोभित जी की क्या लोगों के बीच में आने का ट्रेंड शुरू हुआ है, इसको पॉजिटिव लिया जाए. नाउ अब और ये भी आ रही है शोभित जी के जिस तरह से ये ट्रेंड चला है लोगों के सामने जाने का, कुछ नया दिखाने का, कुछ नया करने का, बिल्कुल पीक पर पहुंचा है, अभी शुरू हो गया, ट्रैक पे आ गई ये गाड़ी कैंपेन करने की. शोभित जी आपको लगता है कि नारे से, डिस्कशन से, चाय से न्यूड फोटोशूट वाला भी ट्रेंड चालू हो गया, जस्ट टू लाइमलाइट में आ जाओ. शोभित जी क्या ये कहां जाके रुकेगा ये? क्योंकि लाइमलाइट में आना है, डिस्कशन में रहना है. देखिए जहां तक न्यूड फोटोग्राफी का सवाल है तो कोई भी पब्लिक फिगर अगर बन जाता है तो उसके नाम का मिसयूज होना, वो पब्लिक फिगर उस चीज को स्पॉन्सर नहीं करता है. बराक ओबामा के नाम से भी एक XYZ ब्रांड ने पूरा होर्डिंग निकाला था, वेयर ही वाज स्मूचिंग अनदर हेड ऑफ द स्टेट. ओबामा वर्सेस ओसामा कैंपेन, तो उसमें किसी व्यक्ति विशेष को हम पॉइंट आउट ना करके हम उस चीज को होलिस्टिकली समझें। वो तो एक छोटी सी चीज है जो व्हाट्सएप में चली गई और वो खत्म हो गई, लेकिन ये जो चाय पे चर्चा है ये यहां पे बंद नहीं होगी। 10 चर्चाएं अभी और लाइंड अप हैं। नेक्स्ट चर्चा है वुमेन एम्पावरमेंट, हर तरफ से वो ले रहे हैं। एटलीस्ट वी शुड अप्रिशिएट कि किसी ने ग्रास रूट लेवल में जाके उन लोगों को इज्जत बख्शी और उन लोगों को डेमोक्रेटिक फॉर्मेट में लाकर उनसे वार्तालाप चालू किया। आई थिंक वी शुड रियली रियली एनकरेज दिस। लगता है चेतनजी क्या केવું લાગે છે કે આ બધાની જગ્યાએ બને એટલું લોકો એક કેન્ડિડેટને જાહેર કરી દેવા જોઈએ। આ અમારા કમિંગ ઇલેક્શનની અંદર આ કેન્ડિડેટ છે એને એક વર્ષ પહેલા જાહેર કરી દો, એ લોકોની વચ્ચે સીધો જાય, લોકોની સાથે બેસે। चाय पे चर्चा खाली टीवी पर नहीं परंतु बिल्कुल लोगों की वच्चे पोताना ज अलग अलग एरिया है, यानी कॉन्स्टिट्युएंसी है, तेनी वच्चे रूबरू जईने जेते उम्मीदवार है बात त्यां आवीने अटके छे कि कोई एक फेस, चाहे ते कांग्रेस नो फेस होय, चाहे बीजेपी नो फेस होय, आम आदमी पार्टी नो फेस होय, परंतु जे आपणे उम्मीदवारने चूंटीने मोकलवानो छे ते माणसने ओळखवा करता ओरिजिनल पार्टी कई है अने पार्टीनो मेन फेस कयो छे तेने जेने आपीए छे। क्या केवुं लागे छे कि उम्मीदवारों पहले थी जाहिर करी दो, एज उम्मीदवारों प्रजानी वच्चे जाए अथवा तो एज आ रीते इंटरेक्शन करे तो वधु विश्वास प्रतिवादित करी शके पक्ष अने जेते नेता। चेतन जी, आई एग्री कम्प्लीटली, बट यू नो बीइंग अ लीडर हु इज बीइंग डिक्लेयर्ड एज प्राइम मिनिस्टर योर कैंडिडेट, you know, Mr. Modi has to take a lead in terms of, you know, setting up an example, and then rest of the line will follow. So this is absolutely going on a right manner, and I'll probably disagree with what Ruzan was talking about. I'll say that this is one opportunity, this is a reason where they are, you know, reaching to a common man, and I don't see down the line, you know, there might be certain things happening in South there. चर्चा पे इडली हो सकता है, यू नो, वड़ा पाव पे चर्चा हो सकती है, लस्सी पे लेट्स टॉक हो सकता है, पंजाब में एनीथिंग इज पॉसिबल दैट माइट हैपन। समीर जी, पॉलिटिकल पार्टीज यूजिंग टेक्नोलॉजी इज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। पहली बात थाय छे कि टेक्नोलॉजी पॉलिटिकल पार्टीज टेक्नोलॉजी यूज करे छे, एंड बीजेपी हैज अ बेनिफिट, एडेड बेनिफिट, कारण के पहला थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऊपर सक्सेसफुल थया छे। जे पहला इलेक्शन में जो नेशनल फोरम में एमना जे लीडर्स है वधारे सोशली एक्टिव है, दे आर ऑल्सो इन टच विथ द कॉमन पीपल हू आर इन सपोर्ट ऑफ देम। ना बात ये आवीने अटके छे कि जे लेटेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी है यूथ में जो एक्सेप्टेबल है एवं टेक्नोलॉजी नो मैक्सिमम उपयोग जे अत्यारे फाइनल बिल्कुल कमिंग फ्यू मंथ्स में जो चूंटणी आवानी है एक माहौल अने एक हवा उभो करीने एना पहोंचवा माटेना बधा शॉर्टकट्स अथवा तो जे पण सीधा पंच करे एवा मुद्दाओ लेवानो प्रयत्न थई रह्यो छे। शोभी जी, आप कई कहेवा मांगता था? मेरा एक मुद्दा यह है, मैं थोड़ा सा समीर को रिबट दूंगा कि जो टेक्नोलॉजी का पहली बार प्रयोग नहीं हो रहा है। टेक्नोलॉजी का पहली बार प्रयोग की जो नींव धरी गई थी दैट वाज इन 2003 व्हेन वी वर टॉकिंग टू एक्स वाई जी पर्सन हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस चर्चा, हु इज द मेन पर्सन। उनके साथ में 1-to-1 में उन्होंने बोला कि आई वांट टू रीच आउट टू द ग्रास रूट लेवल, इनोवेटर्स आर द ग्रास रूट लेवल पीपल ऑफ गुजरात, टेल मी व्हाट इज द मीडियम, वो क्या माध्यम है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज नो स्काइप, देयर वाज नो फेसबुक, देयर वाज नो ट्विटर, द ओनली अवेलेबल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाज थ्रू याहू चैट, and he went to the extent of saying, okay, I don't mind spending 2 hours on Yahoo chat, can I talk to those people. So he engulfed, he you know, kind of collected all these things put together, and today he is trying to reach out to the Gujarat model to the rest of the country. Ab baat dusri cheez hai ki aap mujhe ek baat samjhao ki 500 crore जो कांग्रेस खर्चा कर रही है राहुल गांधी के कैंपेन में, इतना सब कुछ इतनी प्रोफेशनल एजेंसीज हायर करने के बावजूद क्यों लोग उस चीज को मुखौल उड़ाते हैं और क्यों उस राहुल गांधी के टॉक्स को सीरियसली नहीं लिया जाता है? क्यों अरविंद केजरीवाल के व्हाट्सएप पे कार्टून्स आ रहे हैं? क्या हमने इसी बात पे आ रहा हूं कि जब टेक्नोलॉजी की बात आती है बहुत सारे अच्छे इश्यूज को ट्विस्ट करके बिल्कुल उसको कहते हैं ना कि कॉमेडी फॉर्मेट में रख देते, जैसे कि राहुल गांधी का, मेरे हिसाब से सब लोगों ने देखा होगा, राहुल गांधी ने अपनी जो कार्यकर्ताओं के साथ एआईसीसी में जो उन्होंने लेक्चर दिया था बिल्कुल मस्त म्यूजिक टोन में लगा के, उसको मॉर्फिंग तो नहीं कहा जा सकता लेकिन उसको लिप मूवमेंट को कहीं ऊपर नीचे करके जिस तरह से उसको फनी बना दिया था, रुझानजी आ क्यांक एक चिंतानो विषय छे के सीधी बात मारे कोई केवी छे ए बात हूँ सीधो कहीश तो ए वर्ड में कोईपण जातु मेन्युपुलेशन नहीं थाय, परंतु ज्यारे कोई आ रीते अलग वे में जईश, अलग हूँ मीडिया थी जाऊं छूं त्यारे एनी साथे आवुं ट्विस्ट करवा वाळो एक आखो मोटो वर्ग, एक आखी मोटी टीम अने साचो मेसेज छे ने ट्विस्ट थईने लोको सुधी स्पाइसी प्रोडक्ट बनीने जाय छे। धीस इज आई थिंक आ क्यांक आंख उगाड़े अथवा तो चिंता करावे एवो विषय छे। माणसने जे केवुं छे बिल्कुल फ्रंट कही रह्यो छे, परंतु एने ट्विस्ट करवा वाळी एक आखी टीम बेठी छे। रुझानजी You are 100% right. This is total misuse of technology. અને પછી આ કર્યા પછી બી જને કે વચ્ચે પેલું બી કે અમિતાભ બચ્ચનનું બી કે ટ્વિસ્ટિંગ થયું હતું, પછી સામેવાળા કે મેં તો નથી કર્યું, મને તો ક્યાંકથી આવ્યું હતું ને ક્યાંકથી આવ્યું હતું, એટલે બધી ગંદકી ક્યાંકથી આવી હતી કઈને ફેરવે અત્યારે કંઈક બીજું બી કંઈક થયું હતું, કંઈક ઓબામા વાળું બી કંઈક ફોટા બદલાયા હતા, એટલે આ બધું જ મિસયુઝ છે। અને ઘણીવાર શું થાય છે, આજે આપણે જે યુથ કરીએ છીએ ને, જે આપણે યુથ પ્રજા છે, એ હું ઓલવેઝ યુથ તો કહું છું કે આપણે ધોર પ્રજા છીએ ને, આપણે મિસયુઝ થઈ રહ્યા છે, આપણે યુઝફુલ નથી થઈ રહ્યા, આપણે મિસયુઝ થઈ રહ્યા છે। એટલે આ યુથ આ જુએ એટલે એની બુદ્ધિ તો થોડું I object. हमारी प्रजा को ढोर प्रजा, as I think she is using the same word what Shashi Tharoor said, cattle class, मतलब आप हम लोग को हमारा इलेक्टोरेट मैं ढोर प्रजा में, मैं खुद भी ढोर प्रजा में आती हूँ। ये शोभित जी अगर इनके वर्ड को अगर मैं प्रॉपर वे में रखूं, ये सोशल मीडिया वाली लैंग्वेज में ट्विस्ट नहीं करूंगा, रियल वर्ड में कहना चाहूं कि एक जो जाता है उसकी तरफ दूसरा बहक जाता है, उस हिसाब से उन्होंने वर्ड का यूज किया है। बिल्कुल वो मॉर्फिंग नहीं करेंगे, हम नाउ ट्विस्ट करेंगे। नाउ एट लास्ट आई थिंक रुझान जी आपनी मारे लेवानी थी एमा अपना पर व्यू जे बात आई थी। रुझान जी टिपिकल मारे जे कतो एनी अंदर आपनो पण व्यू लेवो तो नारा थी न्यूड फोटोशूट, आई थिंक ये बात आपनी सुधी लई जवानी थी, मिस थई गई हती। यस, नारा थी न्यूड फोटोशूट सुधीनी जे सफर चाली छे, आर्यु कई रीते जोवो छो आने यार? बिल्कुल आ नारा थी न्यूड में एवं थयुं छे के बधा पोतपोतानी ठेकड़ी चलाववानी कोशिशमां छे, मार्केटिंग कंसल्टंट इवेंट वाला बधा पोतपोतानी, तो पेली मॉडले कह्युं के मारा सेल्फने प्रमोट करूं, आ रीते मने फ्रीमां प्रमोशन मळे एटले एने बी चालू कर्युं। एटले अल्टिमेटली तमे जे स्टार्टिंगमां बहू राइट कह्युं के आपणे वेर आर वी ऑल ड्राइविंग टुवर्ड्स, क्या जई रह्या छे आपणे एज अ सोसायटी, एज अ कंट्री, ए आपणे बधाए आज विचारवानी जरूर छे। पछी जस्ट कीधुं के कोई के मने ढोर कह्युं ने ना कह्युं ने एटले मैं प्रोटेस्ट कर्यो, एना करता आपणे लेट आवर वर्ड्स स्पीक, लेट आवर एक्शन स्पीक, के आ बधुं जे नकली चीजो थई रही छे, बनावटी चीजो थई रही छे, एमां आपणे बोलिए, एमां आपणे आपनो साचो ओपिनियन आपीए। सो वी शुड व्हाट यू कॉल, वी शुड रिस्पोंड इन फाइन। यस समीर जी, लास्ट टाइम इंग्लिश में एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड पॉलिटिक्स इज वॉर, એટલે दैट्स द मेन थिंग आई थिंक वेयर द वॉर इज बीइंग फॉट। लास्ट સિંગલ સજેશન્સ મને આપના જોઈએ છે કે જે પ્રમાણે સોશિયલ મીડિયાની અંદર अलग अलग रीते ट्विस्ट थवुं, स्पाइसी प्रोडक्ट्स आवी तमारी सामे, थोड़ो टाइम माटे गॉसिप करी लीधुं, रियल लीडर ने अथवा तो रियल पॉलिटिकल पार्टी नी आइडियोलॉजी माटे एज अ सिटीजन अथवा तो जे सोशल मीडिया ना आपणे यूजर्स छे एने कई रीते आपणे लेवुं जोईए। योर सजेशन स्टार्ट विथ शोभित जी। आप उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं, आप उसको मैनिपुलेट कर ही नहीं सकते हैं, आप कितने भी कार्टूनिंग कर दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। एंड ऑफ द डे जब थ्रेडिंग होगा, जब एंगेजमेंट होगा, वो नेता का लोगों के साथ में अपने आप एक छवि बन के आएगी। उस छवि पे ना मैं मैनिपुलेट कर सकता हूं, ना मैं वो छवि को क्रिएट कर सकता हूं। जो लेवू जो आने जे प्रमाणे आपणे बधा ज सोशल मीडिया ने यूज करे छे, करोड़ों लोको यूज करे छे अने कदाच एनाथी ज लोको आमथी आम थई जता होय छे। ए टाइम एक वोटर तरीके, एक सिटीजन तरीके आपणे आ बधी मीडिया में थता प्रचार ने कई रीते लेवो जोईए। चेतनजी, बिकॉज मैनेजमेंट साथे जोड़ायेला छो, घणुं बधुं मेन्युपुलेशन करवानुं आपना भागे पण आवतुं हशे। वन लाइन, फॉरगेट पॉलिटिक्स, ईच इंडिविजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर हैज गॉन ऑन अ नेक्स्ट लेवल। वेरी सिंपल, वेरी ट्रू, दैट्स इट। रुझान जी, सोशल मीडिया इसके पहले नानी थी तो WWF पेली कुश्ती जोती थी, पछी खबर पड़ी कि एमां बधुं स्टेज होय, बधा नाटक होय, पैसा खवाड्यो होय, तो मैं जोवानी बंद करी दीधी। सिमिलरली सोशल मीडिया में भी हमारा जो बुद्धि व्यक्तिओ छे ए अमने खबर छे कि आ बधा नाटक छे, स्टेज छे, लोको पैसा बनाई रह्या छे, एट आवर कॉस्ट तो हूं बंद करी दईश। सिंपल, फाइन। सामीर जी, लास्ट कमेंट। हिसाबथी एवुं थयुं कि पहला टाइम हतो के ज्यारे जर्नलिस्ट न्यूज़पेपर में लगता था અને લેટર્સ ટુ એડિટર આવતો હતો, એટલે સિલેક્ટેડ લેટર્સ યુઝ ટુ બી સિલેક્ટેડ એન્ડ યુઝ ટુ બી પબ્લિશ્ડ ઇન ધ ન્યૂઝપેપર। હવે શું છે કે દરેક માણસને એક વ્યૂ પોઈન્ટ છે, દરેક માણસ એ વ્યૂ પોઈન્ટને ટ્વિટર કાં તો પછી ફેસબુક ઉપર નાખીને ડાયરેક્ટલી નેતા પાસે પહોંચાડી દે છે, એટલે નેતા હેઝ બેસિકલી ઓલ્સો હેઝ અ રાઇટ ટુ આન્સર ધીઝ ક્વેશ્ચન્સ। થેન્ક યુ વેરી મચ શોભિતજી, રૂઝાનજી, ચેતનજી, સમીરજી, આ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર। દર્શક મિત્રો, ઇન શોર્ટ જો કન્ક્લુડ કરીએ આજના લેટ્સ ટોકને, તો એક કહી શકાય કે सोशल मीडिया में जे पण आवे छे, अलग अलग इश्यूज आवे छे, अलग अलग कॉमेंट आवे छे, ट्विस्ट थाय छे, स्पाइसी बनीने आवे छे, फनी टोन में आवे छे। आ बधुं जोया पछी जुओ बधानुं, सांभळो बधानुं, कदाच कॉमेंट पर थोड़ुं हसी पण लो, सामे एक बीजी पण रिप्लाय पण करी दो कॉमेंट में। परंतु तमारा मन में जे आइडियोलॉजी छे अथवा तो जे नेता आपने स्टैंडर्डाइज लागे छे ते ज प्रमाणे आपे वोट करवो जोईए कमिंग डेज में, बिकॉज जे प्रमाणे मारो चालवानो छे। हजी तो अभी तो ये अंगड़ाईए आगे और लड़ाईए शुरू थयुं छे, आ क्या क्या सुधी पहोंचशे ते आपणे जोवानुं रहेशे। तो आवी वात आजनो विषय सोशियल मीडिया अने जे प्रमाणे चूंटणी आदर्शथी नहीं परंतु एडवर्टाइजथी लड़ाई छे। एडवर्टाइजना मारानी वच्चे दरेक मतदारे सजाग रहेवानुं छे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ऑल। लेट्स टॉक में आजनो विषय फरी मळीशुं नेक्स्ट एपिसोड में। त्यां सुधी बाय बाय, थैंक यू वेरी मच अगेन।